और दुर्ग में साधुओं के साथ मारपीट पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। राजधर्म निभाए सरकार, यह कहना है बीजेपी की सांसद सरोज पांडे का। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये बात कही सरोज पांडे ने। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, ये बड़े आरोप लगाए हैं सरोज पांडे ने। दुर्ग जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमला हुआ है, जिस प्रकार से उन्हें पीटा गया है और पुलिस उस पर अभी भी संज्ञान नहीं ले रही है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में दुर्ग में लगातार ये घटना पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि आप अपने राजधर्म का, नैतिक धर्म का पालन करिए। आपको नैतिक धर्म का पालन करना चाहिए और मेरी मांग है कि जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ है उन्हें संज्ञान में लेकर पुलिस, जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उन्हें गिरफ्तार करे और उस पर एक्शन करे। तो बीजेपी हमलावर है, सीधा आरोप सरकार पर लगा रही बीजेपी। और दुर्ग में साधुओं के साथ मारपीट यहां पर की गई, उसके बाद में अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। इधर बीजेपी के सांसद सरोज पांडे ने यह बात कही कि सरकार राजधर्म को निभाए, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह कहना है सरोज पांडे का। तीन साधुओं के साथ मारपीट की गई और उस पर अब सियासत तेज हो चुकी है। पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रही है बीजेपी। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, यह कहना है बीजेपी सांसद सरोज पांडे का। दुर्ग में साधुओं के साथ मारपीट पर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है।